हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरीज हैं। तो आज के सूर्य में हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी से एक कंप्यूटर मॉनिटर को चलाने की कोशिश करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या 9 वोल्ट की बैटरी से कंप्यूटर मॉनिटर चलेगा या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो नहीं और भी बैटरीज हैं, बाई चांस दो से काम ना चले तो बाकी की बैटरीज हैं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर मॉनिटर का एडाप्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी आउटपुट है 19 वोल्ट और 1.3 एम्पियर का करंट जो कि ये कंप्यूटर मॉनिटर को देता है। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, 19 वोल्ट और करीब 1.5 एम्पियर का करंट बनाने की कोशिश करेंगे इन डीसी बैटरीज की मदद से। और ये सिंपल सी बैटरी सी है और वो एक एडाप्टर था खास तौर से मॉनिटर को पावर देने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्या नॉर्मल बैटरी से मॉनिटर ऑन होगा या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मॉनिटर का पावर एडाप्टर है इसके वोल्टेज और एम्पियर को नाप लेते हैं मल्टीमीटर की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाया है, मॉनिटर को इस वायर के थ्रू कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और मॉनिटर ऑन है। और मैंने अपने पावर एडाप्टर को कुछ इस तरीके से वायर के थ्रू लगा दिया है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। तो जो एडाप्टर है दे रहा है लगभग 18 वोल्ट का करंट, 19 से थोड़ा सा ही कम है। और ये देखो एडाप्टर से तो हमारी स्क्रीन अच्छे खासी चल रही है बिना किसी दिक्कत के। अरे इसका तो काम ही यही है मॉनिटर को पावर देना। तो यहाँ पे हमारा जो मॉनिटर है करीब 0.73 एम्पियर का करंट ले रहा है, ये देखो 0.73 का। तो यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है 18 वोल्ट का, जितना कि हमारा पावर एडाप्टर दे रहा था 18.45 तक गया है। तो बैटरी के एक सेट से हमें करीब 18 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर का करंट मिल जाएगा। तो अगर हम लोग तीन सेट को पैरेलल में लगा दें तो हमें 18 वोल्ट और लगभग 1.5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जुगाड़ बन के तैयार है, तीन सेट मैंने चिपका दिए हैं, हर एक सेट से हमें मिलेगा लगभग 18 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर का करंट। तो पहले एक से चलाएंगे, अगर एक से नहीं चलेगा तो दूसरे को भी ऐड कर देंगे उसी में, अगर दूसरे को ऐड करने पर भी नहीं चला तो हम लोग तीसरे को भी ऐड कर देंगे। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 18 वोल्ट 500 मिली एम्पियर और ये मैंने कनेक्ट किया। तो आपने देखा हमारे मॉनिटर की लाइट जल गई और मॉनिटर हल्का सा नीचे का एरिया ब्लिंक कर रहा है, ये देखो। तो अभी मैंने एक को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है, अभी 18 वोल्ट लगभग 1 एम्पियर। तो देखते हैं, और इसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ ओह LG का लोगो बन के आया था। आपने देखा LG का लोगो बन के आया था। एक बार ट्राई करते हैं एक बार फिर से, तो नहीं बन के आया। तो यहाँ पे मैंने दो को फिक्स कर दिया है और ये तीसरा है। तो अभी हो जाएंगे 18 वोल्ट और लगभग 1.5 एम्पियर, तो कुछ हुआ नहीं। और कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बाद में मैंने पाया था कि पिछले सेट में करीब 3 वोल्ट की कमी हो गई थी किसी वजह से, तो मैंने यहाँ पे 3 वोल्ट बढ़ा दिया है। अभी चेक करते हैं। तो अभी तो ये पूरा सेटअप 19 वोल्ट का करंट देने लगा। अभी इसे मॉनिटर पे लगा के चेक करते हैं दोबारा से। तो ये था पावर एडाप्टर। अब बारी है 19 वोल्ट के DC करंट की बैटरी के थ्रू। अरे LG लिख के आया, आपने देखा, ये देखो फिर से अंधेरे में, ये देखो यहाँ पे बार बार LG ब्लिंक हो रहा है। हालांकि मॉनिटर लगातार तो नहीं जल रहा है लेकिन LG ब्लिंक हो रहा है। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इतना कुछ करने में, काफ़ी एफर्ट लगे हैं।
तो इस एफर्ट के लिए एक लाइट तो बनता ही है। हालांकि हमारा मॉनिटर 9 वोल्ट की बैटरी से तो नहीं चल सका था, लेकिन ब्लिंक जरूर से हो रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि 9 वोल्ट के सेट से हमारा मॉनिटर नहीं चला, केवल ब्लिंक कर रहा था और LG लिख के आ रहा था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।